प्रदेश के बड़वानी जिले के ठिकरी में किसानों ने तहसीलदार को अपनी समस्या बताते हुए ज्ञापन सौंपा, जहां भारतीय किसान संघ के प्रांतीय उपाध्यक्ष और तहसीलदार के बीच बहस भी हुई। नगर के तहसील कार्यालय ठिकरी में सैकड़ों किसानों ने तहसीलदार को किसानों की समस्याओं और सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के पालन नहीं होने के संबंध में ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में किसानों ने बताया कि किसानों की फसलों के पंजीयन के संबंध में पोर्टल पर अलग अलग जानकारियां हैं। किसान ने खेत में मक्का बोया है तो पोर्टल पर सोयाबीन लिखा हुआ आ रहा है। कई किसान इस समस्या के चलते फसलों का पंजीयन नहीं करा पा रहे हैं और उन्हें सरकार के द्वारा उचित मूल्य की खरीदी में वंचित होना पड़ रहा है। भारतीय किसान संघ के प्रांतीय उपाध्यक्ष दयाराम पाटीदार ने बताया कि जहां एक ओर किसान कर्ज माफी की योजना का पूरा लाभ नहीं ले पाया, वहीं दूसरी ओर पोर्टल को लेकर भी किसानों को समस्याएं आ रही है। इसके अलावा क्षेत्र में जंगली सुअर का आतंक छाया हुआ है। कई किसानों की फसल बीज व ड्रिप लाइन जंगली सुअर खा जाते हैं। इस संबंध में तहसीलदार से कार्यवाही करने को कहा, लेकिन तहसीलदार इसे हमारा काम नहीं है यह कहकर पीछे छुड़ा रहे हैं। सुअरों का आतंक है, इन्हें पकड़ा जाए। तो आज ही तो कह रहे, मुझे कब बताया? नहीं, पर आपने अभी कहा हमारा काम नहीं है। तो नहीं, आपने ये कहा हमारा काम नहीं है, इसलिए हम कह रहे हैं कि आपका काम है कि आप लिख सकते हो उसको। अरे वो तो लिखने का, मैं चाहे जिसको लिख दूं, लिखने का मतलब मेरा ये एक ही पॉइंट है कि आपको मतलब जब इसका पंजीयन हुआ किसानों की फसल गलत, मेरे पास दो के रिपोर्टिंग जिले से है कि दोनों को सही करवाने वाला मैं ही हूँ पूरे जिले में। किसी तहसीलदार ने किसान जो है वंचित रह गए हैं, उनके नाम और नंबर लिखा है, मैं वंचित रह गए अपने पंजीयन करवाने में, इसीलिए ये पंजीयन करवाने की तारीख उनकी ही जवाबदारी, इसलिए वंचित नहीं रहे कि उनकी जवाबदारी का, इसलिए वंचित रहे हैं कि जब वो पोर्टल पे गए तो उनका जो गेहूँ बोया तो चना आ रहा है, चना बोया है तो मक्का आ रहा है। वो समय पंजीयन जब तारीख रहती है उस समय में बताना चाहिए कि आप 6 महीने बाद में आप बताओगे। हम तो सरकार से कह रहे हैं कि ऐसे किसानों जिन्होंने मंडी में माल बेचा है सरकार उसको भी पैसा देना चाहिए, ये मांग ठीक है। आपकी मांग हम भेज रहे हैं उससे मतलब नहीं है, पर हमारी जो जवाबदारी है पंजीयन सही नहीं हुआ उसके लिए मैं बोल रहा हूँ। पंजीयन सही नहीं हुआ है ये हम ईमानदारी से कह रहे हैं। आपने बताई नहीं, कोई चार किसान मुझे तो बताइए ना कि कौन पंजीयन करवाने दो बार ज्ञापन दिया। भारतीय किसान संघ के प्रांतीय उपाध्यक्ष दयाराम पाटीदार ने बताया कि ठिकरी तहसील में ज्ञापन देते समय तहसीलदार H.S. गंगवाल का रवैया किसानों के प्रति ठीक नहीं रहा। उन्होंने हमारी समस्याएं सुनने के बजाय हमसे बहस की। इस तरह किसानों की समस्याएं न सुनना किसानों का अपमान करने जैसा है। ठिकरी से सुरेंद्र वर्मा की रिपोर्ट। दयाराम पाटीदार किस पद पे पदस्थ हो भाई साहब? भारतीय किसान संघ के प्रांतीय उपाध्यक्ष। प्रांतीय उपाध्यक्ष, यहाँ आप ठिकरी तहसील में आए हो, किस लिए आए और क्या मामला है? सरकार द्वारा जिस प्रकार से चुनाव से पहले वचन पत्र भरा दिया गया था किसानों को जी, उस वचन पर खरा नहीं उतरी सरकार जी, इसलिए सरकार जो खरी नहीं उतरी उसमें और जो क्षेत्र किसानों की क्षेत्र की जो समस्या है जी, उन समस्याओं का ज्ञापन दिया है हमने। जो क्षेत्र की समस्या है वो तहसीलदार साहब देखेंगे और जो सरकार की समस्या है उसके लिए सरकार को ज्ञापन दिया है। अच्छा, आपने ज्ञापन दिया है, तहसीलदार साहब ने क्या कहा? तहसीलदार साहब ने कहा कि हम आपका ज्ञापन पूछा देंगे, लेकिन जो क्षेत्रीय समस्या है उसके लिए तहसीलदार साहब किसानों से बहस करने लगे, जो कि सत्यता ये है कि पोर्टल पे किसानों के बहुत से पंजीयन नहीं हुए जी। दूसरी बात, इस क्षेत्र में सुअर, जंगली सुअरों का आतंक है जिससे किसानों के बीज भी खा जाते हैं, पौधे भी खा जाते हैं और ड्रिप तक समाप्त कर देते हैं, चबा जाते हैं। जब तहसीलदार साहब कह रहे हैं ये काम मेरा नहीं है, जबकि ये काम तहसीलदार साहब का है, वन विभाग को तहसीलदार साहब ने लिखना चाहिए, लेकिन इसमें किसानों से बहस करी तहसीलदार साहब ने, ये ठीक नहीं है, किसानों का अपमान हुआ है। किसानों का अपमान क्या है? उन्होंने इस हिसाब से बोला कि आपने किसानों से, किसानों का अपमान क्या है आपका कहना? ये